रांची में शिव आश्रम की ओर से मां तारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिला श्रद्धालु कलश लेकर इस यात्रा में शामिल हुई और जय मां तारा भक्त मंडल के संस्थापक बबलू चौधरी ने हचाओ की तीज के अवसर पर इस साल कलश यात्रा का आयोजन किया है। मां तारा सभी की सुनती है और इस यात्रा में झारखंड के अलावा अन्य राज्यों की महिलाएं भी पहुंची हैं। जो कलश यात्रा आप देख रहे हैं, माँ उस रूप में विराजमान है जो कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का समस्या हो माँ तुरंत सुनती है। यहाँ कोई छल कपट नहीं है, ये शमशान काली माँ है और बहुत आदमी को दिमाग में है कि माँ काली कौन है, दुर्गा क्या है, तारा क्या है, सभी माँ एक ही है, कोई माँ अलग नहीं है। एक भाव हम लोग ने माँ तारा का दिया है। माँ तारा हमारी इस यमुनानगर क्षेत्र में क्या पूरे आज हमारे रांची क्षेत्र नहीं पूरे भारत में आज जहाँ भी देखिए जय माँ तारा, जय माँ तारा इनका बोलबाला हो रहा है। इसलिए माँ के दरबार में जो भी भक्त निस्वार्थ भाव से आते हैं।